बिग बॉस फेम अरमान कोहली ड्रग्स केस में फंसे हुए हैं, ऐसे में उनकी मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। एक्टर अब एक और केस के चक्कर में पड़ गए हैं। बिग बॉस 7 का हिस्सा रहे अरमान कोहली अब 8 साल बाद अपनी एक हरकत का खामियाजा भुगत सकते हैं। आपको बता दें कि उन्होंने 2013 में कुछ ऐसा किया था जिसके बाद उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। दरअसल बिग बॉस 7 में अरमान कोहली और सोफिया हयात दोनों नजर आए थे। इसी में एक टास्क हुआ शो के दौरान, जिसमें बॉलीवुड एक्टर अरमान कोहली ने सोफिया हयात के साथ मारपीट की थी। फिर लोनावला पुलिस ने शो के दौरान ही सोफिया के साथ मारपीट के आरोप में एक्टर को घर से ही उठा लिया था। अब इस घटना के 8 साल बाद सोफिया हयात को पुलिस ने नोटिस भेजा है। इसमें बताया गया है कि कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करने का फैसला ले लिया है। मतलब ये कि केस अब दोबारा से खुलेगा, जिसमें अरमान कोहली की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती हैं। एक इंटरव्यू में सोफिया हयात ने बताया है कि महाराष्ट्र पुलिस ने उनसे कॉन्टैक्ट किया है, वो इस मामले की सुनवाई के लिए भारत भी आ सकती हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई है कि मामले का फैसला आने में इतना वक्त कैसे लग गया। एक्ट्रेस ने ये भी कहा है कि उन्होंने वैसे तो अरमान कोहली को माफ कर दिया है, लेकिन वो चाहती है कि समाज के लिए उदाहरण भी सेट किया जाए। सोफिया का कहना है कि सलमान खान ने उस समय अरमान कोहली को जमानत दिलाई थी। अब पुलिस अधिकारी जानना चाहते हैं कि क्या मैं इस मामले को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तो हाँ, मैं इस लड़ाई को जारी रखना चाहती हूँ, इसलिए अरमान कोहली के खिलाफ ये केस मुंबई में फिर से चालू होने वाला है।